लड़कियों को बड़ा क्यूट लग रहा है तू। मैं हुई भाई एक लड़की कहती और इसको वैसे जा रहे लड़कियों के बतेरे इंस्टा पे यानी कि बड़ी सी बात तो ये है मुझे हैंडसम करने वाला इंसान सही से देख लो उसको ये खुद ही हैंडसम लग रहा ना तो भाई ये ड्रायर इतना मार रहा है खड़े कर रहेगा बालों को थोड़ा नीचे कर ले यार शरीफ बन के घूमो जब तो बंदे तुम्हारे पास आएंगे बाल कटाने के लिए अब तुम ही आराम ही लगोगे बाल वोल कटा के बंदे लगेंगे अभी आते ही गोली भी मार देगा घुसते ही गैंगस्टर लग रहा साढ़े तू कुछ तो लग रहा था भाई ये तो ये अपना लुक है मैं बिफोर लुक दिखा नहीं पाया तो सलमान कैसा लग रहा तेरे को मेरे बियर्ड बना के जल्दी से बता बढ़िया लगा एकदम मस्त नहीं खुश हो जाता जब मैं आता हूँ ना बेड बनवाने के लिए बंदा खुश हो जाता और मेरे से कहा था भाई वो तो करा लो क्या करा लो रिटेन क्लीन अप फेशियल तो अच्छा लग रहा हूँ मैं उसके बाद ही बोलता है क्यों भाई बहुत अच्छा लगता है यार तेरे स्मार्ट बनाना कह रहा बहुत अच्छा लगता है तेरे को स्मार्ट बनाना थैंक यू यार मेरे घर वाले इतना नहीं सोचते तू सोचता है मेरे बारे में तो ये बियर्ड बन गई थैंक यू भाई सलमान चल जा रहा हूँ मैं पैसे कितने को फ्री में फ्री यार तेरे लिए कह रहा फ्री यार तेरे लिए अभी कैमरा बंद करते बोले अला 500 दे तो शूट के चक्कर में ये बियर्ड में बनवा नहीं पा रहा था अब मैंने बनवा लिया है देखो ये है बियर्ड लुक तो अनिकेत को जा रहा हूँ मैं पिक करने के लिए और हम दोनों जा रहे हैं शॉपिंग करने शॉपिंग मतलब एज अ प्रॉपर शॉपिंग करने नहीं जा रहे मार्शल लेने जा रहे हैं म्यूजिक बजाएंगे फ्लैट पे वाइब नहीं आ रही वाइब लेकर आएंगे परवेश पाजी का नो मोर रीजन चलाएंगे नो मोर रीजन नो रीजन वो मेरा ना वो आ गया नो मोर वर्जिन वाला जो हमारा कंटेंट है ना वो रिपीट हो गया तो चलो रिपीट हो ही गया तो तुम भी रिपीट पे देख लो जिसने वीडियो देख रखी है ऑलरेडी वो भी देख लो और जिसने नहीं देखी है वो भी देख लो ठीक है और अभी चलते हैं M2K पहले निकित को पिक कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है तो इंस्टाग्राम पर जाके बोलो उसको यू आर सो क्यूट या कमेंट में मत बोलो क्यूट क्यूट उसको पता ही चलता अब देखो मैंने बताया तुम्हारी तरफ से कितना अच्छा हूँ मैं तुम्हारी तरफ से किसी को बता रहा हूँ इसको क्यूट बोला गया है तो यार पंचर तो निकला नहीं इसका दोबारा निकलवाया मैंने नीता पंचर पेट्रोल देख रहा तू थंबनेल कितना कम हो गया बढ़ेगा भी वो बढ़ेगा कहते बढ़ेगा चलते चलते क्लास है मेरे को एक चीज़ जाननी है What is the rehind behind, reason behind, the reason behind your exposure, your beauty exposure in girls? इतना क्यों उनको लगता है कि तू बहुत ज़्यादा क्यूट है एक बार बता दे यार उनसे ही पूछ मेरे को क्या बताऊँ मैं ऐसा क्या दिख रहा है इसके अंदर भाई ये बात अच्छी करते थे मैंने पहले लास्ट व्लॉग में भी यही चीज़ बोली थी जब ये हम घूम रहे थे जा रहे थे कहीं पे कि ये पॉइंट पे बात बोलता पॉइंट पे एक मिनट लगेगा तो मैं इम्प्रेस करने में अब तो बात भी नहीं बोल रहा शक्ल देख के इम्प्रेस हो रही हो तुम मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का मेरी हो चुकी है ईगो हर्ट यहाँ मैं ग्लासेस ला के खड़ा हूँ अगर मुझे कोई क्यूट ना बोले कमेंट में सुनो ना दिक्कत है ना फिर मतलब मैंने लिखाया था वो कमेंट हाँ बता रहा हूँ मैं हाँ गाइस तो अब ठीक है थोड़ी सी शांति मिल रही है कि ये कह रहा है कि मैंने खुद कराया था बता दिया अगर भाई ऐसे दिक्कत हो जाती है तो अभी गुलाटी अभी ना लास्ट वीडियो पे ना गुलाटी गुलाटी कर रहे बंदे मतलब मुझे समझ में नहीं आया ऐसे कह रहे गुलाटी भाई की एक्टिंग इस वीडियो में तो एक्टिंग ही नहीं थी, इस फर्स्ट पार्ट में नहीं थी इतना खुल के कहां कोई सीन था कि कोई बंदा कर रहा हो कि खुल के कर वो रहा यार वो ऐसी मतलब मैं बताता हूँ क्या सीन है वो जब एक जो वाला सीन आया था ना दारू वाला लगा ये भाई साहब ये पकड़ पकड़ के करवा रहा है पकड़ पकड़ के करवा रहा है गुलाटी की एक्टिंग मस्त नहीं मैं बताता हूं की एक्टिंग मस्त उसका सीन ये है वो जो दारू वाली एक्टिंग थी हम जो ऊपर दारू वाली दारू वगैरह पी रहे थे वो एक्टिंग वो तगड़ी कर गया एज यूजुअल जो करता है दारू वाली में सबसे अच्छी करता है हाँ तो वो उसी बेस पर उन्होंने जज करा क्योंकि एंड होते होते लोगों के इमेज वही बनती है जो एंड में देख रहे हैं वो तो लास्ट में वही तो सीन आया गुलाटी वाला तो
तो गाइस जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है ये वीडियो जाके देख लो। हाँ तो वीडियो भी आ चुकी है हमारी, वीडियो मतलब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, जिसने अभी तक नहीं देखा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देखो। और सेकंड एपिसोड के लिए बोलो कि हमें सेकंड एपिसोड दे दो, प्लीज़ बोलो। हैं बाकी शूट वगैरह हो चुकी है, एडिटिंग चल रही है, सेकंड एपिसोड बहुत जल्दी डालेंगे। जो हमने टारगेट दिया है उसे थोड़ा सा पूरा करो, 3000 लाइक्स एंड ऐसे कुछ था ना, हाँ 40,000 तो दिली है अभी, अभी पोस्ट हुई है, दो तीन दिन लगेंगे, दो तीन दिन के बाद रिस्पॉन्स दिखेगा जैसे डलने के बाद। मुझे तो लग रहा था एक दिन में दिखता रिस्पॉन्स। अरे यार एक दिन के अंदर इसलिए नहीं दिख रहा ना, तो एक एक महीने में भी तो वीडियो डालते तुम लोग, ये भी तो बात है। और लास्ट वीडियो तुझे ही पता रीच नहीं थी, अगर लास्ट वीडियो थोड़ी सी रीच होती तो ग्रो कर पाता भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो हम रेगुलर डालेंगे, सोचो तो ऐसी है, वो फुली एपिसोड तो रेगुलर डाल ही देंगे, एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक ही है अभी तो, सही 5 का पता नहीं है, 4 तक ही आएंगे। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं गाड़ी के, तो मतलब इसकी सर्विस करानी थोड़ी सी, उसको लेके मतलब लेके जाएंगे सर्विस सेंटर। अगर जाम वगैरह मिला ना रोडों पर तो सीधी सी बात है, मैंने तुझे पहले ही बोला मेट्रो चल ले सर्विस कराने, और क्या मेट्रो चलो सर्विस कराने। तो सबसे पहले सर्विस कराएंगे, उसके बाद ना मैंने तुम्हें बताया मार्शल लेंगे, वाइब नहीं आ रही है ना फ्लैट पर, वो वाइब चाहिए, ठीक है मार्शल लेंगे। और चप्पल उप्पल भी खरीदेंगे, टूट गई चप्पल, जल गई किसी ने ना, नशे में जला दी मेरी चप्पल, ऐसा साढ़े नशा उशा कर लेते हैं, पता नहीं कौन सा नशा करता है वो अन्नू है, अन्नू कौन सा नशा करता है, सूखा नशा, मंगल देखे सूखने का नशा करता तो उस नशे की वजह से उसने जो मेरी चप्पल है वो जला दी, आई थिंक उसने जलाई है, या फिर एक पार्टी हुई थी उसके अंदर अंचवाई भी था, अंचवाई तुमने जलाई है पहले की चल रही है। हाँ ये भाई अभी तो लेकर आया था, 2 महीने हुए तेरे साथ ही तो गया था, देखिए खराब, ये भी खराब होगी, देखो इसकी बिल्कुल ठीक है, ये थोड़े तमीज़दार बच्चे हैं ना, इनको पता है कैसे रखते हैं, हमें नहीं पता तो हमारी खराब होगी, तो ये भी सही, ये भी चप्पल भी लेंगे। और चप्पल तो कौन सी लूंगा मैं, देख महंगी चप्पल देखते हैं, ठीक है। तू जो क्या, क्या? मूवी का नाम था तू झूठी मैं मक्कर, जो कि मैं देख के आया था, तो मेरी जस्ट लेफ्ट वाली सीट पे एक अंकल बैठा था, सेम ऋषि कपूर जैसी शक्ल थी उनकी, भाई साहब मैं ऊपर से नीचे मूवी देखने, मतलब साइड एंगल तो प्रॉपर ऋषि कपूर जी का जैसा था एकदम, संजय पार्क से भगते हुए आ रहा है, 6 घंटे की शिफ्ट मारता रील के लिए कह रहा 6 घंटे की शिफ्ट मारता रील के लिए, चलो चलो चल रहा है, यार रानी के से बात चल रही थी, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर की बात चल रही थी, प्राइवेट सेक्टर में बड़े लेन देन कर रखी है, तो तू क्या कर रहा है, कह रहा मैं तो एंटरप्रेन्योर, इतना भारी सा वर्ड ले लिया इन्हें ताकि अच्छा लगे, एंटरप्रेन्योर हूं मैं, एंटरप्रेन्योर जो लोग अभी तू एंटरप्रेन्योर कह रहा था, 3.5 बार चेंज कर दिया अपने हिसाब से, जो कौन सा एंटरप्रेन्योर है तू, एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर तो गर्ल्स जो 80-90 हजार रुपए भी कमाते हैं ना प्राइवेट में, वो कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है ना वो बंदे सही है, तो बस उन्हीं की बात पे चल रहा हूँ मैं, वो कहते हैं वो अच्छा है भाई, जॉब में कुछ नहीं है, अच्छा ऐसे कहता हूँ, तो तू ये कहना चाह रहा, तू 80-90 हजार कमा रहा है, दे पैसा दर, ले दरा कहा तो ला रहा है, पैसे पैसे की बात नहीं होती उसमें, उसमें बात होती तुम एंटरप्रेन्योर पैसे की बात ही नहीं है उसमें, कह रहा बस तुम एंटरप्रेन्योर, और एक दिन कमाएगा, हाँ ये तो है, मतलब एंटरप्रेन्योर अगर तुम हो तो एक दिन जरूर कमाओगे, क्योंकि तुम्हारा आइडियाज है, तुम खुद के लिए काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो यही जज्बे होने चाहिए सबके अंदर, सेल्फ एम्प्लॉयड होने के, दिन में 12 बजे उठूं तो कोई मुझे बोलेगा नहीं कुछ, तो वो वाला सीन है सारा, तो एंटरप्रेन्योर किस काम का, तू साढ़े ये नींद लेके एंटरप्रेन्योर बन रहा है, अरे भाई एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट मींस कि सेल्फ वर्क करेगा, खुद के लिए काम करेगा, खुद के लिए सपने में 12 बजे के बाद उठ के करूंगा ना खुद के लिए काम, किसने मना करा है, सलमान खान हो रहा तू तो भाई, फिर सलमान खान 3 उठता है, अक्षय कुमार 4 बजे उठता, सर्विस
खैर अंकल लैपटॉप वॉशिंग वॉशिंग लैपटॉप नहीं डाले वो कुछ खड़ा कर रखा है इधर के गट्टा है गांडू अंकल वॉशिंग तो इधर भी सेंटर आया है ये पता नहीं समीरपुर बाद लिया ना इसकी वॉशिंग का कूपन है हमारे पास क्या बात कर रहा है अंकल बोल रहा है अंदर जाइयो अंदर जाके पूछ लियो वहाँ पे कौन कौन मिलेगा सिकंजी लाल मिलेगा वो सिकंजी लाल सिकंजी पिलाएगा तमीज की बात करनी हमने बोला अंकल कापरा खड़ी करूँ अरे सिकंजी लाल मिलेगा सिकंजी लाल चलो ठीक है हमको कूपन है गाड़ी हाँ वो मेरे पास आया फिर मेरी भी नहीं सुनी ऐश मारने आएगा हुक्का लगा दो दिल लिया तो अरे वो दो दो वो है ना एम्प्लॉयज है अरे किसने किसको दिया गाड़ी मैंने है कोई शिकंजी चिरंजी है अपनी गाड़ी हो रही वहाँ बीटी हो गई और बहुत देर तक हसी उस बात के लिए लेकिन मेरा मोटिव हंसाने का नहीं था भाई जो मुझे गार्ड ने बताया भाई गार्ड भी तुमने यहाँ का ऐसी है लैट में अपनी यहाँ अपनी अकड़ में रहता उसने बोला शिकंजी जी को बुला रहा हूँ शिकंजी जी को शिकंजी जी आए अब से आज से मैंने पर्स रखना स्टार्ट कर दिया भैया अभी भी लिया है भैया वुडलैंड ले आया तू लिया है गिफ्टेड है साले झूठ मत बोलते झूठ नहीं बोलते ऐसे पैसे चोरी हो जाते हैं अगर झूठ बोलते हैं तो अब से पर्स रखूँगा तो यहाँ हो गई लड़ाई जैसे ब्लॉग बना ले जाओ भैया जाओ भाई जाओ अंकल जाओ 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 तो यहाँ पर अगर तुझे कोई लड़की दिखे चलते हुए ये बात नहीं है ठीक है तू चश्मे मत करियो कि अच्छे करती है फिर अच्छी होगी क्योंकि जिसकी अभी लड़ाई हुई ना वो मैंने देखा उसको हस्बैंड को ऐसा लग रहा है तुझे बड़ी बड़ी एज का और अजीब सा दिख रहा है फिर लड़की से भी मिल गई बड़ी एज को और वो लड़ने लगी उस टाइम पे जैसे उन्हें लड़ने के लिए बना तेरी उसके मुंह के अंदर गुटके का वो था तो लाल कर रखे उनने और फिर जो लड़ना स्टार्ट करा उनने कमला पसंद कर दिए क्या बोल रही हो हां नो भाई जान होगा क्या होगा देखो ये भी बोल रहा कुछ तेरा क्या आराम है ये आ रहे हैं भाई ये क्रिक बज वाले कह रहे हैं स्कोर चेक करा करो ये किसको मैसेज आ रहे हैं क्रिक बज वालों के और किसको मैसेज मैसेज ही पढ़ रहा है इस टाइम पे नहीं ये लड़कों से कुछ डील कर रहा है ये डील फाइनल कर रहा है स्पॉन्सर डील क्या नेक्स्ट वीडियो में पता है स्पॉन्सर स्पॉन्सर डील फाइनल कर रहा होगा तू ये स्पॉन्सर की हमारी एड है नेक्स्ट से कच्ची की एड है क्या अंकल पाद दो प्लीज एक बार पाद दो बिना बात का ये अंकल को बोल रहा है अंकल पाद दो प्लीज पाद दो ना ओ भाई घर छोड़ अंकल टेंशन में अभी अंकल का पास है घर जा रहे आगे घर जा रहे होम में आंदे मेरा अंकल ये अंकल क्या होता देखो ये अंकल ये अंकल जीने में चढ़ते बहुत दिन घर में और फिर बैड पे उठ पे पूरा पूरी फैमिली बोलते क्या हो गया क्या हो गया क्या दिक्कत है फैमिली तो नहीं कहती पापा पादरे पापा पादरे पापा बोले पापा पाद की रहे अरे तो कहाँ पा दूँ मेरा घर है मैं यहीं पा दूंगा तो ये तो यहाँ नहीं पा दूंगा तो कहाँ पा दूंगा तू कहीं और जाके रह ले इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है पादरे में भाई मेरे को नहीं पता था मैं तो पा दूंगा इस डर से अपने पापा को कुछ नहीं मेरे पास एक वीडियो है पादरे वाली मैं उसको लगाऊंगा एक मेट्रो में एक बड़ा होगी 3 साल पहले की बात जब मैं कॉलेज जाया करता था ना जब तो मेट्रो का एक सीन था भाई एक बंदा बगल में बैठा हुआ है वो खैच के पाद रहा है एक बार पाद दिया दो बार पाद दिया तीसरी बार अब बगल बगल वाले बंदे देख रहे हैं कि भाई कौन कर रहा देखा तो आदमी कर रहा है अब उसके बाद में वो एक और मारा उसने बंद बगल वाला बंदा बन रहा है अरे भाई क्या कर रहे हो मैं लगाऊंगा आराम से रह
क्या बोल रहा तू अबे चल ये क्या होता है अबे चल अरे यार क्या मिलेगा यार लड़ाई करने नेक्स्ट स्टेशन पंजाबी प्रॉब्लम हो रही है तेरे को क्या सारी चीज कर रहा है तुम कर रहे हो खत्म कर यार लड़ाई चल मेट्रो है देख कर अरे तो आवाज आ रही है तो भाई फिर मेरे कहना मेरी गैस बन रही है मैं तो पा दूंगा तो भी लगाऊंगा वो क्लिप देखना उस अंकल की बचो बचो ताड़े अंकल बेटे जहरी बात है फिर मैं तो बोली क्या कर दो सर्विस करा ली है गाड़ी की और सर्विस करा के मेरे दो यारों के साथ मैं आया हूँ नाइकी दो यारों के साथ जहाँ से तुझे नहीं पसंद आया जा रहा है तू देख लेगा तुझे मुझे दिलाना है भाई चल चल ले शूज दिखा दो जो उसको पसंद आ जाए तेरे बर्थडे पे गिफ्ट ऐसे आगे जो अगले साल आएगा ना पहले बर्थडे पार्टी पे जाओ तू तो इतना इतना दिलदार है तुझे नहीं बुलाएगा तो भी तू देगा अरे इस बार की तो इस बार का सबक सीखा नहीं क्या तू तो ये बर्थडे पार्टी दे भी नहीं रहा भाई आजकल बंद करवा दिया इसको एक फैन एनकाउंटर कर लिया ये बोल रहे हैं अनिकेत को यूट्यूब पे देख रहा है देख रहा है वो कल से आना बंद कर वीडियो में देखो कोई नहीं देख रहा चल भाई के साथ भाई कुछ कहना चाह रहे कुछ बात करो क्या कब देख रहे भाई बात सुनिए कितना रूडली बात कर रहा लड़कों से अभी कोई लड़की फैन होती है ना उसकी साइड रख देता उसको उससे बात करता अच्छे तरीके से मैंने बोला गर्ल्स में इसकी छोटा सा एक्सपोजर ज्यादा है लड़कों से सिर्फ हाथ ही मिलाता तू कमीने पैसे दूं क्या मैं इसने 5,000 रुपए की चप्पल ली है कहता बच्चों इधर बता रहा है इसलिए हम गुलाटी को अंदर लेकर नहीं आए क्यों नहीं लाए मैं बता रहा हूँ मेरी 3 साल की चप्पल आती है 3 साल की अगर हैं चप्पल बदल बदल के पहन मैं ना 3 साल चप्पल पहन गया 1 साल में बता क्या था 4 चप्पलें खो दी खोई है ना ये खोई जला दी हैं बहुत बड़ा दुख हो जाएगा फिर तो भाई ये कहाँ देखा तुमने कौन चैनल पे देखा इसको यूट्यूब पे देखा था मैंने भैया को बहुत फेमस है ये बहुत फेमस है इसको फॉलो भी कर रखा है रिप्लाई नहीं देता होगा इंस्टा उंस्टा पे नहीं रिप्लाई तो 60 भी नहीं करता नहीं देगा भाई सिलेक्टेड ही लोग हैं उनको करते होंगे लड़कियां तो लड़की की तो एक काम कर लड़की की आईडी बना नहीं थोड़ी पोस्ट डाल फिर से बात करियो ये बात करता लड़के से चप्पल ले ली छोड़ दो भाई भाई को एक्सक्यूज मी तेरा चैनल सब्सक्राइब करवा रहा हूं तेरे को भी जान ले कोई रुक जा अरे यार ऐसे करे तुम साथ चल करा दे तो ये भाई अपनी चप्पल यहाँ पर अभी चप्पल लेकर आया हूँ ठीक है मतलब 2 बार घुस गए सेम शोरूम के अंदर के मुझे लगा 2500 की है वो तो वो 5 की मिली तो ये कुछ कह रहा है क्या कह रहा तू ये ही चप्पल पहन के लैटरिन जाऊंगा मैं रोक लियो ये अब ये लैटरिन अब देखो रोक तो पाऊंगा नहीं बना गया लैटरिन रोकनी है तुझे रोकना चप्पल को लैटरिन में जाने से उंगल लैटरिन में तुझे वो लैटरिन वाली चप्पल खाने से रोकनी है तू ये खाया था क्या मैं निकेत में से मत लड़ भाई क्यों शाम का टाइम है मरा पड़ा तू पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है 500 रुपए का डिस्काउंट मिला है अनिकेत को 3 साल सर में चप्पल है जी के पिला तो दे प्यास लग रही है पानी है नहीं गाड़ी में चल ठीक है तू भाई है छोटा भाई है तू चला बिजली बिजली ले बिजली लेके 26 साल का हूं 26 साल का मैं छोटा भाई तू क्यों बता रहा है ये अरे मैं बताता हूं मेरे को छुपाने किससे है अबे छुपा के रखनी चाहिए भाई इतनी थोड़ी ऐसे बताने थोड़ी चाहिए लड़की थोड़ी मैं तो ये पृथ्वी ने आया ये कह रहा है अगर हम लेते हैं इसका प्राइस है ये तो कह रहा अगर क्या कह रहा दोबारा था चल मैं ये वाला लोगे तो शादी में भी काम आ जाएगा ये वाला तो नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक जगह पे अलमारी की बेच रहे गरीबों क्या बताया फ्रिज वो छड़िया कम बोल रहा ये पूरे इंडिया को पता लग जाएगा तो ये कह रहा है अगर तुम्हारे किसी अच्छे दोस्त ने तुमसे मार्शल मांग लिया तो भाई सीधी सी बात है आंट बता लगेगी नहीं देंगे मेरा अच्छा दोस्त है ही नहीं भाई अभी अभी बताओ क्या हुआ हमने एक सामान लिया है
सामान क्या एक नहीं लिया, बहुत सारे लिया, बाद में बताऊंगा क्या लिया। तो ये नहीं है क्या, इधर आओ, इधर तो आ जा। ये कहता ऐसा गिफ्ट देना जो तीनों को मिले, एक दो तीन, हम तीनों ले लें। तो इसमें तीन बाउल है, ये गिफ्ट मिला है और तीन बाउल मिले हैं, बस खुश हो गए। मुझे आऊंगा कटोरा दे रहा है भगवान के लिए। तो ये तो फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर प्लान इनको पता लग गया कि भीख मांगने वाले, तीन कटोरे दे दिए कि जैसे ही तुम्हारा ये फंड वगैरह खत्म हो जाए, टीवी वगैरह लेके तो बॉल लेके निकलो अपना बाहर सड़क उड़क पे, ये बताओ इनको, और पैसे इकट्ठे करो। इनको किसने दिया? इनको किसने दिया? हमें चाहिए प्लेन अनबॉक्सिंग। एक ही तो है, तीन है बाहर से, तीन दिखा, थ्री बॉल्स। भाई जो पीछे देख रहा हूं ना, एक चीज हमने ले लिया है, मेरे जो पीछे की है वो अपनी हो चुकी है, एक उनमें से एक अपनी हो चुकी है, पैसे मैं ले चुका हूं। क्या कह रहा था? कह रहा ओ भाई हिट मत दे, मैं हिट दूंगा तुम, हिट दे भाई, मस्ती। तो इसको एक काम करना, हिट ले इसके भाई, अंदर से क्या हो गया इसके अंदर, आ जा तू एक बार। क्या है इसके अंदर? अबे बता भी नहीं पा रहा। इसके नीचे का वो होता है ना, ये हाँ, इसके अंदर कोई कंचे से घूम रहे हैं। इसको मजा आ रहे हैं दिक्कत में। तो भाई कर ली है शॉपिंग, एक सेकंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये अपनी है स्लीपर्स, और एक और चीज़ बुक करके आए हैं हम, वो आएगा परसों, जैसे ही आएगा मैं आपको दिखाता हूँ क्या आने वाला है। फ्लैट पे डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे ही फ्लैट पे आएगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या था और आज क्या क्या है। और बस खाया पिया है थोड़ा बहुत, और बाकी कुछ नहीं किया है, जो किया है तुम्हें पता क्या किया है। तो बस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी से लाइक कमेंट शेयर, लव यू कर देना, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है।